दोस्तों अगर आप बी के एल राहुल को एक अच्छा खिलाड़ी मानता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों पंजाब किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में आईपीएल 2023 का एक और रोमांचक मुकाबला समाप्त हुआ। दोस्तों जब पंजाब किंग्स की टीम 160 रन के लखनऊ के लक्ष्य का पीछा कर रही थी, सिकंदर आजाद ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। इस मुकाबले में दोस्तों मध्य क्रम में उनका साथ देने आए थे जितेश शर्मा। दोनों के बीच में एक छोटी सी साझेदारी बना भी रही थी मैच के मुकाबले के बीच। दोस्तों लेकिन उसके ठीक बाद उड़की इस गेंद को सामने खेल बैठे जितेश शर्मा, लेकिन उधर से दौड़कर टाइप लगाई शानदार तरीके से केएल राहुल ने। सरियों से दोनों हाथों को गेंद के नीचे ढकेला, खुद गिर गए लेकिन गेंद को गिरने नहीं दिया। केएल राहुल ने इस तरीके से शानदार डाइव लगाई और अपने दाहिने हाथ से कैच को पूरी तरीके से काबू में कर लिया और एक शानदार कैच को समाप्त किया। दोस्तों ये कैच लाजवाब ही नहीं, काफी ज्यादा शानदार थी। सुपर कैच ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया मैच के बाद केएल राहुल को। इन्होंने जितेश शर्मा को शानदार कैच के साथ दो रन पर आउट किया। दोस्तों आप सभी को बता दें केएल राहुल ने इस मुकाबले में अपनी कप्तानी और अपने बल्लेबाजी से पूरा दम दिखाया, लेकिन उनके गेंदबाज उनके लिए जीत घर नहीं ला सके। अंत में शाहरुख खान ने जितेश शर्मा के आउट होने के बाद भी शानदार पारी खेली और दो विकेटों से पंजाब ने तूफानी मुकाबला जीत लिया। लेकिन दोस्तों आप केएल राहुल के इस कैच को 10 में से कितने नंबर देंगे हमें कमेंट।